हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है भिवाड़ी यूट्यूबर अंजी ब्लॉगर में। तो मैं यहाँ पे ना ट्राईपोर्ट लेने आई थी, किचन में काम करने जा रही थी, ट्राईपोर्ट लेने आई थी। तो मैंने सोचा चलो वीडियो चालू कर लेती हूँ। तो ये मैडम आ गई है, देखिए ये भाग गई है ना। तो अभी तो किचन में ही काम करने जा रही थी, सोचा चलो वीडियो चालू कर लेती हूँ। तो ये ना पकोड़े बनवा रही थी कि मम्मी मुझे ना पकोड़े खाने हैं, तो उसके लिए मैं पकोड़े बना रही थी मुस्कान के लिए। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर तो नहीं करूँगी, बस दिखा दूँगी हाँ मैं बना रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले इसकी रेसिपी पहले ही बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। तो आप लोग मेरी पिछली वीडियो में देख लेना, आप लोग। तो चलो चलते हैं किचन में, ये देखो मस्ती कर रही है, इसको ना भूख लग रही है और मस्ती कर रही है, तो चलते हैं। तो मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ, अंधेरा आ रहा है तो मैं लाइट जला लेती हूँ। एक लाइट जली हुई है तो दूसरी लाइट भी मैं जला लेती हूँ। तो एक लाइट से अंधेरा आ रहा है तो दूसरी लाइट भी ऑन कर लेते हैं। अब उजाला आ गया तो चले बनाते हैं। मेरे आगे पीछे डोल रही है, इसको ना बहुत तेज भूख लग रही है, तो मैं चलो बनाती हूँ फिर करती हूँ। मैं बनाने आ गई हूँ पकौड़े। मैंने पहले आलू कस के रख रखे थे और बेसन भी का पेस्ट बना के रख रखा था, वो मैं बना रही हूँ। और ये हम इसका बर्तनों को बजा रही हूँ, क्योंकि एक चम्मच वो ढूंढ रही है, वो तलने वाली चम्मच होती है ना, वो चम्मच मिल नहीं रही है। मैंने इसको बोला था टोकरी में, क्योंकि जहाँ स्टैंड में लगाती हूँ ना वहाँ मिल नहीं रही मुझे, तो बस उसी को ढूंढ रही हूँ। तो मिल गई है, ये ले आई। तो चलिए चलते हैं। तो मैं इनको पलट पलट के सेक लूंगी इनको मैं। तो आप लोग भी आइए पकोड़े खाने के लिए, गर्मा गर्म पकोड़े। बच्चों को कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पूजा अभी कर ली अपनी, शाम की जो दिया बत्ती होती है ना वो कर ली है मैंने अभी यहाँ पे। तो चलिए आगे का काम कर लेते हैं। चेतनिया स्किट चला रहा है घर पे ही, क्या करे कहाँ जाए, तो कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो स्केट चला रहा है। हेलो एवरीवन, लॉकडाउन में आपको केक खाने का मन तो कर रहा होगा, आज मैं आपको केक की रेसिपी बता रही हूँ। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, कुछ मिल नहीं रहा, मीठा नहीं मिल रहा खाने को, तो मैंने सोचा चलो क्यों नहीं आपके साथ केक की रेसिपी शेयर करी जाए। तो मैं आपके साथ केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे दो कटोरी की समथिंग मैदा लिया है, और ये शुगर है, पिसी हुई शुगर है, चॉकलेट शुगर मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है। वैसे ये मैंने 3 कटोरी शुगर है ये तो, और ये चॉकलेट सिरप है, मेलोडी विनीगर पाउडर सॉरी बेकिंग पाउडर, जेम्स चोको पाउडर और विनीगर, ये सब लिया है। इन्हीं से ही कम सामान में ही मैं आपको चॉकलेट केक बना के दिखाती हूँ, तो चलिए बनाते हैं। तो मैं सबसे पहले मैदा लूँगी और शुगर, कोको पाउडर है ये, मैं इसको 2 चम्मच के करीब ले रही हूँ इसमें, और 1 पिंच बेकिंग सोडा। तो मैंने इसमें 1 चम्मच और ऐड कर दिया है, 1 से 1.5 चम्मच इसमें और ऐड कर दिया है मैंने। तो बस इनको अच्छे से छान लेती हूँ। तो मैंने इसको छान लिया है, जो इसका मोटा मोटा था ना वो इसमें रह गया, और ये मैंने छान लिया है अच्छे से। तो इसमें मैं 1 पिंच नमक डाल रही हूँ,
इसमें आधी चम्मच बेकिंग सोडा और डाल दिया है मैंने इसमें, और इसको अच्छे से मिला लूंगी मैं। आप इसको ना बना के भी रख सकते हैं, जब कभी आपको मन करे केक का बनाने खाने का तो आप इसका यूज कर सकते हो, और अगर ताज़ा खाना चाहते हैं ताज़ा आप इसे ना बना के 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये ख़राब नहीं होता है, सूखा है ख़राब नहीं होगा ये, तो आप लोग कर सकते हो इस तरह से। तो चलिए बनाते हैं बैटर को। मैंने यहाँ पे गर्म पानी कर लिया है, और इधर मैं इसमें चॉकलेट लूँगी। मैंने ये 2 चॉकलेट कर्स कर ली थी, और ये और चॉकलेट डाल दूंगी मैं इसमें। तो मैंने ये सारी चॉकलेट देखी, इसको इस तरह से तोड़ लिया, और इसको मैं इस गर्म पानी में रख दूंगी मेल्ट होने के लिए। डायरेक्ट बाउल को नहीं रखना, तो इस तरह से रखना है, ये ना धीरे धीरे पिघल जाएगी, मैं आपको दिखा रही हूँ, धीरे धीरे ये मेल्ट होती चली जाएगी। इसमें मेल्ट करने के लिए मैं हल्का सा दूध ऐड कर रही हूँ, जिससे ये फटाफट से मेल्ट हो जाएगी। मैं इसमें ना ये मैंने मेलोडी की टॉफी होती है ना, उसको कर्स कर लिया था, और उसको मैं डाल दूंगी इसमें। इसलिए डाल रही हूँ कि जैसे कि थोड़ा सा चॉकलेट का टॉफी का फ्लेवर आए, बहुत मतलब इसे टेस्ट अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बाजार वाला वो टेस्ट तो नहीं मिलेगा जो वैसे मिलता है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है इसका, बाजार का ही जैसा अट्रैक्शन आएगा इसमें, ये नहीं है बाजार जैसा, नहीं बिल्कुल बाजार जैसे ही बनेगा ये, लेकिन वो जो एक बनाते हैं ना बेकरी पे, मतलब एक वो वैसा एकदम क्रीमी वाला वो चीज़, तो देखो ये नहीं मिल रही है आजकल, लॉकडाउन के चक्कर में कुछ सामान तो मिल नहीं रहा, तो इसी तरह से बनाइए। चॉकलेट मैंने इसलिए डाल दी इसमें फ्लेवर के लिए, कि बीच में अच्छी है बच्चों को टेस्ट अच्छा आ जाए। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसको मिक्स कर लूँगी। और इसको ना एक ही साइड में घुमाना है, इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए इसका बैटर बनाना है। जितना जितना मुझे चाहिए ना उतना उतना मैं इसमें डालती जा रही हूँ। मैं इसमें 2 चम्मच विनीगर और डाल रही हूँ, 1 चम्मच, ये 2 चम्मच। अगर आपके पास विनीगर ना हो तो नींबू डाल सकते हैं आप लोग इसमें, और इसको अच्छे से फेंट लूंगी। मैंने तवा को फ्री हीट करने के लिए रख दिया है 10 मिनट के लिए, तो फटाफट से तवा फ्री हीट हो जाएगा। ऑयल लगा दूंगी अच्छे से, हाथ से ही लगा रही हूँ मैं इसमें, ब्रश नहीं है मेरे पास, तो मैं इसको हाथ से ही इसके चारों तरफ लगा दूंगी, अच्छे से लगा दूंगी। तो और इसमें मैं ये बटर पेपर लगा दूंगी हाथ में। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो ना, तो आप लोग वो ऐसे मैदा घी लगा के तेल लगा कर तो मैदा भी लगा सकते हैं आप। तो मैंने इसको भी पेपर को भी अच्छे से ग्रीस कर दिया है, तो अब मैं इसमें बैटर डालूंगी। तो इसमें मैं इसमें बैटर डाल रही हूँ। तो मैं इसको अच्छे से टैप कर दूंगी, और इसको मैं इस पे जो मैंने ये फ्री ठीक कर रखा है ना, इसको इस पे रख दूंगी। और इसको मैं इस चम्मच से इस प्लेट से ढक दूंगी, और इसके ऊपर कोई भारी चीज रख दूंगी जिससे कि, तो मैं इसको इस पे रख दूंगी जिससे कि ये जो भाप है ना वो ना निकले, और ये 30 से 40 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा थोड़ी सी मीडियम आंच पे। तो एवरीवन यहाँ पे मेरा ना केक बन गया है, मैं उसको निकाल रही थी, और यहाँ पे इनसे बच्चों से बैठ के बातें भी कर रही थी यहाँ पे, और मैं वो वीडियो स्किप हो गई मेरी जो मैंने यहाँ बना के देखा था चेक करके कि बना नहीं बना है ना, तो वो स्किप हो गई, कभी भी ये फ़ोन बंद रह गया मुझे पता ही नहीं लगा। तो मैंने इसको यहाँ पर भी फिर निकालने लग गई, और बच्चों से बातें कर रही थी, कुछ ऐसे ही मजाक कर रही थी। आप इस टी शर्ट को भी माइंड ना करना,
क्योंकि ये रात का टाइम था ना, फिर मैंने इसी को ही पहन रखा था, ध्यान नहीं कराई कि फटी हुई है। बाद में जब वीडियो ही देख रही थी ना, तो मुझे बाद में पता लगा कि अरे मेरी ये टी शर्ट तो ऐसे फटी हुई है। तो बस मैं यहाँ पे इसी केक को निकाल रही थी टैप टैप करके, और ये थोड़ी देर में ये निकल जाएगा टैप करके, मैं अभी आपको दिखाऊँगी। और ये ना फिर मैंने इसको दूसरे उसमें फॉइल चेंज कर दिया था, क्योंकि बच्चे कह रहे मम्मी इसका शेप ना स्क्वायर में होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, इसको ना दूसरे इसमें लगा के, फॉइल में लगा के दूसरे डिब्बे में कर दिया था। मुझे ना मेरा केक बहुत ही अच्छा बना था, एकदम यम्मी। और इसकी मैं डेकोरेशन कर रही हूँ, तो इस पर मैंने चॉकलेट सीरप होता है ना वो लगा दिया मैंने यहाँ पर। बहुत अच्छा लगा, एकदम बहुत यम्मी बना था ये। मैं ना एडिट बाद में कर रही हूँ, खाने के बाद एडिट करा है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें मैंने चॉकलेट वगैरह की डेकोरेट अच्छे से कर दिया था, तो बस यही। और इस पर फिर मैंने यहाँ पे वो जेम्स की होती है ना गोलियाँ, वो भी लगा दी है। देखो जेम्स की गोलियाँ लगा दी, कितना सुंदर लग रहा है ना। आप लोग बताना कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था देखने में, क्योंकि फर्स्ट बार बनाया मैंने, तो इसीलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे तो, है ना। फर्स्ट एक बार देखो कहना, पहली बार कोई चीज़ बनाते तो अच्छी ही लगती है, तो आप देखो किस तरह। और इस पे मैंने चॉकलेट भी क्रश करके डाल दी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे तो भाई, अच्छा लग रहा। आप लोग बताना कैसा बना है मेरा ये केक, मैंने तो बनाया था बस। तो यहाँ देखिए मेरा केक बनके तैयार हो गया है, देखो वाओ कितना अच्छा बना है। देखिए तो मैं आप लोगों को अभी निकाल के दिखाती हूँ। मैंने ना बनाने के बाद इसमें ट्रांसफ़र कर दिया था, देखो कितनी अच्छी शेप आ गई है इसकी, देखिए एकदम। देखिए कितनी अच्छी शेप आई है इसकी, एकदम परफेक्ट शेप आई है देखिए। तो मैं अभी इसको ना काटूंगी नहीं, इसको मैं शाम को काटूंगी, क्योंकि मैं बता रही थी ना आपको मैं किस लिए बना रही हूँ। तो मैं अब आपको बताती हूँ, मेरे ना हस्बैंड का बर्थडे है, उनके लिए बनाया था मैंने ये केक, तो मैं आपको शाम को काट के दिखाऊंगी। तो देखिए एकदम परफेक्ट बनाया ना, मैंने फर्स्ट बार बनाया था ये केक, तो आप लोग देखिए कैसा बनाया है। आप लोग बताना मुझे कॉमेंट करके किस तरह से बना है। मैं आपसे अब शाम को जब ये केक काटूँगी ना, तब आपको दिखाऊँगी किस तरह से इसमें जाली आई है। तो आपसे मैं शाम को मिलूंगी, इसके केक काटूंगी जब। अभी मैं और काम करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। टाइम आ गया, तो ये केक काट रहे हैं। तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। देखिए आप लोग भी खा लीजिए, तो पहले मुस्कान खा रही है, तो और ये चेतन खड़ा है यहाँ पे, तो मैं पहले इनको खिला देती हूँ। तो ये हमने लॉकडाउन में ये केक बनाया था, आप लोग बताना कैसा बना है। तो बस चलिए हम खाना वगैरह बना लेते हैं, तो आप लोग भी खा लीजिए केक आगे, ये लीजिए केक खा लीजिए, मैं कैमरे के आगे लगा रही हूँ, केक खा लीजिए। और देखो ये खा रहे हैं सब, और बस तब मैं बताऊँ बहुत टेस्टी बना है केक, मेरी पहली बार में मैंने सफल हो। ये बाद ना मैं खाना बनाने के लिए आ गई, तो के खाने में मैंने बनाया देखिए दाल, एकदम होटल के स्टाइल में बनाई है, जिस तरह से होटल में बनाते हैं ढाबा स्टाइल में, उस तरह से मैंने दाल बनाई है। ये है वो दाल, मैं आपको दिखा देती हूँ, उड़द की और चने की दाल है, एकदम ढाबा स्टाइल में। और इधर बनाया है मैंने पोटैटो आलू की ढाबा स्टाइल में सब्जी, बहुत एकदम देखने में देखिए कितनी यम्मी लग रही है ना। तो इस तरह से बनाई है, तो अभी किचन में थोड़ी मैसी पड़ी है, काम कर रही है तो मैसी तो रहेगी। मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं करी, मैंने कहा रोज़ क्या खाने की रेसिपी शेयर करना, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखने में भी अच्छी लग रही है, एकदम ढाबा स्टाइल में बनाया है। हरे पत्ते आज के इन दिनों में नहीं खाने चाहिए हरी, तो इसलिए हरी सॉरी बहुत नहीं डाला मैंने धनिया, तो इसमें देखिए ये तो वैसे भी हमारे यहाँ पे आने का सब्जियाँ बहुत कम आ रही हैं। तो चलिए मैं ना वो बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने नान का आटा लगा लिया, मैं यहाँ नान बनाऊँगी, और तवा मैंने इस तरह से रख दिया, इस तरह से तब नान बनाते हैं इस पे रख के। तो चलिए बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरा खाना तैयार हो चुका है, देखिए नान है, मैंने ये नान बनाया है, देखिए ये नान है, सलाद है, आलू की सब्जी है होटल स्टाइल की, और दाल है। तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए।
तो एवरीवन मेरा सारा काम वगैरह सब हो गया और मेरा खाना वाना सब चीज़ हो गया और केक थोड़ा टेस्टी बना था। तो बस बच्चे कहते हैं लॉकडाउन में कुछ तो कर नहीं सकते, बस ऐसे ही छोटा सा केक बनाया था। तो क्या करते, कुछ ना कुछ तो करना था, बर्थडे आ गया था इनका तो कुछ ना कुछ तो करना था। आप लोग विश करना इनके बर्थडे को, बर्थडे का है ना, तो बस मैंने इनके लिए केक बनाया था। और तो क्या कर सकते लॉकडाउन में, तो कहीं आ जा नहीं सकते तो कहते हैं नहीं, तो मैं सोचा चलो घर में ही छोटा सा केक बना के ही सेलिब्रेट कर लेते और क्या। तो बस इस तरह से मैंने केक बनाया, पर केक ना बना बहुत अच्छा था, एकदम बहुत टेस्टी, एकदम यम्मी कहते ना, एकदम बहुत अच्छा है, टेस्टी बना था केक। मैंने बनाया था पहली बार ही बनाया मैंने केक, ये नहीं मैंने पहले कभी नहीं बनाया था, तो मैंने पहली बार ही बनाया है ये केक, पर अच्छा बना। पहली बार में भी मेरा केक बहुत अच्छा बना एकदम। कहते ना कई बार बिगड़ जाता है पहली बार बनाते, लेकिन नहीं बिगड़ा वगैरह नहीं, टेस्ट एकदम अच्छा बना। उसकी मैंने ये पता शेप भी चेंज कर दी, गोल में था स्क्वायर में कर लिया, बच्चों की डिमांड थी मम्मी स्क्वायर में करो, तो फिर मैंने उसको स्क्वायर में कर दिया। और खाना भी बहुत अच्छा बना था, मैं एकदम कहते ना ढाबा स्टाइल में, तो ढाबा स्टाइल में मैंने खाना भी अच्छा बनाया। मन से रेसिपीज नहीं दिखाई आज मैंने, मैंने कहा चलो कोई नहीं, कभी कभी तो नहीं दिखानी चाहिए, हमेशा क्या खाने की रेसिपी दिखाते रहो ना, कुछ नया भी होना चाहिए। तो बस और ना हाँ मैं क्या कहती, प्लीज़ मेरी वीडियो को थोड़ा बहुत वॉच भी कर लिया करो। मैं नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा वॉच करो, एक दो तीन मिनट की तो वीडियो वॉच कर लिया करो। और बस यही था आज की वीडियो में, और कुछ खास तो नहीं था इस तरह से। बस मैंने लॉकडाउन में अपने हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट करा, क्या इसी तरह से करा। आप लोग होते तो आप लोग कैसे करते, आप लोग मुझे बताना भाई, इसी तरह से क्या करें, करना पड़ता है ना कुछ तो मैनेज तो करना पड़ता है भाई, ये भी स्थिति बहुत ज़्यादा हो गई है। तो चलिए मैं भाई आपको यहाँ पे बाय कहूँगी, जो बाय कहूँगी, कोई भी मेरी वीडियो पे नया आए मेरी वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरी वीडियो को लाइक कर दे और शेयर करें एंड कमेंट करें। और मैं बस ये है ना यही है और कुछ नहीं। और जो और प्लीज़ कोई ना सब करके अन्ना करा करो, क्या होता है हम तो सब कर देते हैं उनका और फिर बाद में हमारा अन कर देते हैं, ये तो क्या गलत है ना। देखो कितना सेल्फिश दिखाते हैं लोग, कितने सेल्फिश मतलब ये अपना सब करवा के और दूसरे का अन कर देते, ये तो गलत बात है। देखो जैसे वो लोग सोचते हमें सबकी ज़रूरत है है ना, तो हम अपना करवा लेते दूसरा का नहीं। तो देखो हम जैसे हम मुझे भी ज़रूरत है वैसे उनको भी ज़रूरत है, तो मैं तो किसी का भी सब अन नहीं करती हूँ। एक बार मैंने जिसको सब कर दिया ना उसको, फिर मैं सभी छोड़ देती हूँ, फिर कहा चलो कोई बात नहीं, मेरा नहीं तो दूसरों का तो भला होना चाहिए ना। तो बस ना, और मैंने लॉकडाउन में अपने हस्बैंड का बर्थडे इस तरह से सेलिब्रेट करा। आप लोग बताना कैसा लगा मेरा इनका बर्थडे सेलिब्रेट करना। बस खाना बनाया, केक काटा और तो कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं करा, और करते भी क्या भाई, कहाँ जाते, टाइम ही तो स्थिति ऐसी है ये, तो कहीं जागा बाहर तो जा नहीं सकते, तो घर में बस इस तरह से ही सेलिब्रेट करें। अब मैं आपसे अगली वीडियो पे मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।